नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। अजय एस्ट्रोमनी गुरु, जो कि ग्लोबल स्तर पर एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल एकमात्र ऐसा चैनल है जो 42 कमोडिटीज का एनालिसिस आप तक पहुंचाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज बात करेंगे CBO2 में गेहूं का अग्रिम, यानी कि जिस तरीके से रिपोर्ट है अमेरिकी रोपण में दरों पर मक्का उगता है। 4 मई शिकागो के गेहूं और सोयाबीन के भविष्य में तेजी आई, जबकि बुधवार को मकई वायदा में तेजी आई। पिछले सत्र की अगर बात करें तो कुछ नुकसानों को भरपाई करते हुए, क्योंकि यूएस मिडवेस्ट के कुछ हिस्सों में रोपण में देरी ने बाजार के समर्थन दिया है। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी CBO2 पर सबसे सक्रिय मकई अनुबंध 0.1% बढ़कर 7.91 से बढ़कर $1.2 प्रति बुशल हो गया है। अगर रविवार तक बात करें तो 14% मकई रोपण के साथ औसत विश्लेषक अनुमान 16% और 5 साल के औसत 33% के पीछे, हालांकि मांग को लेकर चिंताओं से लाभ सीमित था। चीन में लॉकडाउन ने अमेरिका निर्यात आशावाद को तोला, क्योंकि राष्ट्र अमेरिकी कृषि वस्तुओं का एक शीर्ष खरीदार है। गेहूं अधिक टिक गया, लेकिन यूएस मैदानों के कुछ हिस्सों में बारिश से लाभ सीमित था। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड CBOT पर सबसे सक्रिय मकई अनुबंध 0.1% बढ़कर 7.93 से लेकर $0.5 प्रति बुशल हो गया। गेहूं 0.4% बढ़कर 10.49 से लेकर $1.2 प्रति बुशल, और सोयाबीन 0.1% बढ़कर 16.31 से लेकर $3.4 प्रति बुशल हो गया। अमेरिकी कृषि विभाग ने धीमी से अपेक्षित रोपण की सूचना दी। रविवार तक केवल 14% मकई रोपण के साथ औसत विश्लेषक अनुमान 16% और 5 साल के औसत 33% के पीछे। जी हां, हालांकि आपको बताएं, मांग को लेकर चिंताओं से लाभ सीमित था, लेकिन चीन में लॉकडाउन ने अमेरिकी निर्यात आशावाद को तोला, क्योंकि राष्ट्र अमेरिकी कृषि वस्तुओं का एक शीर्ष खरीदार है। गेहूं अधिक टिक गया, लेकिन यूएस की बात करें तो मैदानों के कुछ हिस्सों पर बारिश से लाभ सीमित था, जिसने सर्दियों की फसलों की सहायता की, तो वहीं यूएस और सोयाबीन की बुवाई 8% पूर्ण थी, जो व्यापार की अपेक्षाओं से मेल खाती थी, लेकिन 5 साल के औसत 13% से पीछे थी। विश्लेषक ने कहा कि रूस के आक्रमण के परिणाम स्वरूप निर्यात में तेज गिरावट के कारण 2022 और 2023 सीजन में यूक्रेन में भंडारण सुविधाओं की महत्वपूर्ण कमी होने का अनुमान है। चूंकि मास्को ने फरवरी के अंत में यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान शुरू किया था, इसलिए देश को अपनी पश्चिमी सीमा पर या समुद्र के बजाय अपने छोटे डेनव्यू नदी बंदरगाहों से ट्रेन द्वारा अनाज निर्यात करने के लिए मजबूर किया गया है। इस साल गेहूं की बंपर पैदावार हो रही है, वहीं दूसरी ओर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई से गेहूं की मांग विदेशों में बढ़ गई है। दुनिया में मांग बढ़ने से भारत से गेहूं का निर्यात बढ़ा है, इससे मंडियों में किसानों को MSP से ज्यादा कीमत पर गेहूं बिक रहा है। अच्छी कीमत पर फसल बिकने से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। आपको बता दें कि आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह सुस्त पड़ी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जान फूंकने का काम करेगी। किसानों के हाथ में पैसा आने से ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी, यह भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज करने का काम करेगा। आपको बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2021 से 2022 के दौरान गेहूं का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 111.32 मिलियन टन होने का अनुमान है। यह पिछले 5 वर्षों के 103.88 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 7.44 मिलियन टन अधिक है। हालांकि जलवायु में हालिया बदलाव प्रमुख उत्पादक राज्यों के कुछ हिस्सों में पैदावार को प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसका असर बहुत ही कम होगा, गेहूं की पैदावार पर फर्क देखने को नहीं मिलेगा।
साथ ही आपको बता दें कि भोपाल की करौंद अनाज मंडी में गेहूं की कीमत इस समय 2200 रुपये प्रति क्विंटल से 2300 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है। वहीं अच्छी क्वालिटी के गेहूं 3000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप लगातार बिजनेस से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अजय एस्ट्रो मणिपुर।